हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ फोर अमेजिंग रुजुता दिवेकर्स इंस्पायर्ड समर ड्रिंक रेसिपीज। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट रेसिपी से, ठंडाई रेसिपी। इसके लिए पहले हम ठंडाई पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर लिया है जिसमें मैं एक कटोरी काजू ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ एक कटोरी बादाम, 2 टेबलस्पून्स पॉपी सीड्स जिसे हम खसखस भी कहते हैं, 2 टेबलस्पून्स पम्पकिन सीड्स, 1 टेबलस्पून फेनल सीड्स, 3 से 4 कार्डमम पॉड्स। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं तो आप 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न ऐड करिए। और साथ ही साथ अब इसमें मैं 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक कोर्स पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये कोर्स पाउडर बन के तैयार हो चुका है। आप इसे आसानी से एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं फॉर गुड 15-20 डेज। तो चलिए अब बनाते हैं ठंडाई। मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है जिसमें मैं 1 टीस्पून ठंडाई पाउडर डाल दूंगी और साथ ही साथ इसके अंदर मैं चिल्ड मिल्क ऐड कर दूंगी। और बस ये ठंडाई इसी तरीके से बहुत आसानी से रेडी हो जाती है। आप इसे मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा गार्निश कर लीजिए अपने फेवरेट नट्स के साथ। मैंने यहाँ पे चॉप्ड पिस्ताचियोज एंड चॉप्ड आलमंड्स का यूज़ किया है। आप इसे मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर एज एन इवनिंग स्नैकर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है कोकम शरबत। और शरबत बनाने के लिए मैंने ये ब्लैक वेट कोकम का यूज़ किया है। ये 100 ग्राम्स का पैक है, आपको किसी भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब इसके अंदर मैं हॉट बॉइलिंग वाटर ऐड करूँगी, जस्ट इनफ कि मेरा कोकम पूरी तरीके से भीग जाए। अब हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे जिससे कि ये कोकम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं, कोकम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और अब इसे ब्लेंड करना आसान हो जाएगा। तो अब इसे एक मैं ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लूँगी, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी जिससे कि ग्राइंडिंग थोड़ी सी आसान हो। और फिर ग्राइंड करके इसका एक कोर्स पेस्ट तैयार कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और हीट को मीडियम रखा है। ये कोर्स पेस्ट मैं पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और साथ ही साथ इसमें 1 कटोरी चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा चला लेंगे इसको। अब इसमें मैं अराउंड 1/4 कटोरी पानी भी ऐड कर दूँगी और अब इस पूरे मिक्सचर को बॉयल होने दूँगी मीडियम फ्लेम पे ही। तो देखिए, मिक्सचर बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून अपना नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर दूंगी और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इस तरीके से एक बार मिक्स कर लूंगी। और बस अब एक बार टेस्ट करके देख लूंगी कि नमक ठीक है या नहीं, और अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा आप और ऐड कर लें। और बस इसे ठंडा होने के बाद इसे मैं स्ट्रेन कर लूंगी और फिर हमारा जो कोकम कॉन्सेंट्रेट है वो तैयार हो जाएगा। और बस इसके बाद तो शरबत बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं इन एन एयरटाइट कंटेनर फॉर गुड 1 वीक। आप बस इसे फ्रिज में रख दें और जब भी आपको शरबत बनाना हो, इस तरीके से आप ग्लास में 2 से 4 आइस क्यूब्स डालें, 3 से 4 चम्मच कोकम कॉन्सेंट्रेट डालें और इसके ऊपर आप चिल्ड वाटर इसमें ऐड कर दें और बस आपका खट्टा मीठा कोकम शरबत बन के एकदम तैयार हो जाएगा। जब भी आप धूप से घर वापस आएं, इस कोकम शरबत को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है मसाला छाछ। और इसे बनाने के लिए मैंने ब्लेंडर में 1 ग्रीन चिली डाल दी है, ये माइल्ड हॉट ग्रीन चिली है। साथ ही साथ इसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता और 1 टेबलस्पून पुदीना पत्ता डाल दिया है। छाछ बनाने के लिए मैं 1 कप दही का यूज़ करूँगी और 2 कप पानी का। तो दही भी मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून वाइट नमक और पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है और अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसे मैं एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब बचा हुआ 1/2 कप पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी।
और बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो सर्व करने के लिए मैंने इसे एक ग्लास में डाल दिया है, साथ ही साथ जब मैं सर्व करूँगी तो ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऐड करूँगी। ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, और साथ ही साथ इसे गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता से। तो बनाते हैं आज की लास्ट रेसिपी जो है आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा रॉ मैंगो यूज़ किया है, जिसे मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। अब इसे मैं एक कुकर में डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 whistles के लिए कुक कर लूँगी। कुक करने के बाद देखिए रॉ मैंगो कितना टेंडर हो गया है, सॉफ्ट हो गया है और ईजिली ब्लेंड हो जाएगा अब ये। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लिया है इसे। साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना पत्ता डालूंगी, 1/2 teaspoon काला नमक, 1/2 teaspoon सफ़ेद नमक डालूंगी और 1/2 teaspoon भुना जीरा पाउडर ऐड कर दिया है मैंने। और इस ड्रिंक को थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी जैगरी पाउडर यूज़ किया है, आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, और ब्लेंड करने के बाद देखिए ये कितना स्मूथ थिक पेस्ट बना है। इसे मैं ईजिली स्टोर कर सकती हूँ इन अ ग्लास कंटेनर फॉर गुड 3 to 4 days। तो जब भी आपको आम पन्ना बनाना हो तो आप एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डालिए और 1/4 glass जो है आप इस आम प्योरी से फिल कर लीजिए, और बस इसके बाद इसमें आप चिल्ड वाटर ऐड करके इसे मिक्स करके सर्व करिए। ये बिल्कुल रेडी हो जाता है इन जस्ट नो टाइम। थोड़ा सा इसे गार्निश करने के लिए ऊपर से मैंने भुना जीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा पुदीना पत्ता। ये देखने में और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप आप ये सारी रेसिपीज ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसी और रेसिपी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय।